गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चंपा भंडारी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हलवे की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लिया है, आप लोगों को मैं सामान दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है 1/4, यहाँ पर मैंने आधा से ज्यादा मतलब 1/4 कटोरी मैंने सूजी लिया है, यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी चीनी लिया है, आप लोग ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि हम लोग मीठा कम खाते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, यहाँ पर मैंने किशमिश और बादाम लिया है, यहाँ पर मैंने देसी घी बनाया है, इसको मैंने खुद घर में बनाया है और इसकी मैं रेसिपी बताऊंगी आपको कि कैसे बनाते हैं घर पे। और यहाँ पर मैंने छोटा सा बर्तन लिया है, इसमें मैं हलवे का पानी तैयार करूंगी इसमें। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, ये लोहे की कढ़ाई है। आप लोग बोल होंगे ब्लैक क्यों है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोहे की कढ़ाई में कुकिंग करना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मैं इसको ज्यादा गर्म नहीं करूंगी, इसको हल्का सा गर्म करूंगी मैं। उसके बाद मैं पहले घी नहीं डालूंगी, पहले मैं इसमें सूजी डालूंगी, राइट। उसके बाद मैं इसमें हल्का वो डालूंगी, बेसन डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसको हल्का सा घुमा दूंगी। उसके बाद मैं घी लूंगी। जैसे मैंने 1/4 मैंने बेसन लिया है और 1/4 कटोरी मैंने क्या लिया है, सूजी लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं घी लूंगी, राइट। ये मैं इसके अकॉर्डिंग लूंगी, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने मतलब पहले बेसन हलवा, क्योंकि हमें घी को नहीं जलाना है। अगर हम घी को जला देते हैं ज्यादा, जैसे लोग धुआं आने तक जलाते हैं हीट आने तक, तो उससे जो घी में पोषक तत्व है वो पूरे नष्ट हो जाते हैं, राइट। तो हमें टेस्ट के साथ साथ अपना हेल्थ का भी ध्यान देना है यहाँ पर, राइट। हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा जितना लोग घी जला के बनाते हैं, बट हमें यहाँ पर हेल्दी हलवा बनाना, राइट। अब यहाँ पर ये मैंने गैस को मैं थोड़ी तेज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं पानी लूंगी, यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग 4 कटोरी पानी डालूंगी। यहाँ पर मैंने गरम कर रखा है पानी ना, मैंने 4 कटोरी पानी डाल दिया और मैं यहाँ पर इसको गर्म करने के लिए, उसके बाद ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको कम कर दूंगी, इसको मैं बॉयल होने तक पकाऊंगी इस पानी को, उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी, राइट। उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पर गैस थोड़ी तेज कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इलायची लिया है, छोटी इलायची ली है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसका मैं इसको मैं हल्का सा कूट के डाल दूंगी इसमें, आप लोगों को दिख रहा होगा ये कैसे धीमी धीमी आंच में पक रहा है सूजी और बेसन। हलवे को जितना धीमी आंच में आप पकाओगे उतना टेस्टी होता है, राइट। अगर आप तेज आंच करोगे तो जल जाएगा, फिर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। अब आप लोगों को दिख रहा कितना हल्का सा इसका गोल्डन कलर हो रहा है इसमें, आप लोग भी जरूर ट्राई करना है एक बार इस रेसिपी को, और कमेंट जरूर लिखना कि आप लोगों को रेसिपी कैसे लगी और आप लोगों को कैसा लगा हलवा बना के, राइट। यहाँ पर पानी गर्म हो गया, यहाँ पर पानी बॉयल हो गया, मैं इसको बंद कर दूंगी। अब हम यहाँ पर हलवे को गोल्डन होने तक, लाइट गोल्डन होने तक इसको
हिलाते रहेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता है ज्यादा। और ये जो जितना हलवा मैंने आप, और जरूरी नहीं है कि आप इस कटोरी के अकॉर्डिंग ही लो, आप इससे बड़े कटोरी से भी ले सकते हैं, इसे छोटी कटोरी से भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। क्योंकि बहुत सारे घरों में लोग हलवा मतलब मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोग ज्यादा भी बना सकते हैं। अब जैसे ये बड़ी कटोरी है 200 ग्राम के आसपास है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। जैसे इसमें पौना कटोरी आप सूजी ले सकते हैं, 1/4 आप बेसन ले सकते हैं, और आधा या पौना कटोरी आप चीनी ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, घी को आधा या पौना कटोरी आप घी ले सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आपके घर में मीठा ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, राइट। अब जैसे मेरे घर में मीठा कम खाते हैं, तो मैं फिर कम ही बनाती हूँ, राइट। आप लोगों को दिख रहा होगा कितना लाइट गोल्डन कलर हो रहा है इसका। खुशबू आ रही हल्की सी, इससे पता चल जाता आपको कि हलवा रेडी होने वाला है। अगर आप लोगों को घी पसंद नहीं है, तो आप घी कम भी डाल सकते हैं, राइट। आप लोगों को दिख रहा होगा कितना लाइट गोल्डन कलर हो गया है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं हाथ को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाथ पे खुशबू आती है, तो नाक पे लग, क्योंकि हम ऐसे नाक ही डाल सकते हैं, राइट। ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पर मैंने वाटर तैयार करा है, ये ना लाइट गोल्डन कलर। पानी मैं थोड़ी देर से डालूंगी ताकि ये बाहर ना आए। अभी मैंने होल्ड कर दिया है पानी को, गैस को तेज कर दूंगी। आप तब तक मैं यहाँ पर बादाम को चॉप कर,
निकाल के इसको घुमाते रहेंगे यहाँ पर। आप लोगों को दिख रहा होगा तैयार तैयार होने वाला है, और आप लोग इसको जरूर ट्राई करिए अपने घर में, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आपको कैसे लगे रेसिपी। जब आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे नई वीडियो बनाने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट को चॉप कर दिया है। यहाँ पर हलवा रेडी हो चुका है हमारा, हम लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। हलवा ये देखो आप लोगों को दिख रहा है आपके वीडियो में। मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, मैंने गैस बंद कर दिया है, मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी। यहाँ पर मैं कटोरी में रखूंगी इसको, आपको जैसे सजाना आप वैसे सजा सकते हैं। मैंने एक प्लेट लिया है, ये हमारा हलवा तैयार। तो आप लोगों ने देखा कि हलवा तैयार हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचेगी। राइट, थैंक यू, विश यू वेल, बाय बाय।